आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा बिल्कुल अलग तरीके से, अलग ऐसे कि हम इसमें चीनी की जगह पे गुड़ का यूज करेंगे। चीनी न पड़ने की वजह से ये हेल्दी तो है ही, साथ ही गुड़ का टेस्ट इस हलवे में इतना जबरदस्त होता है कि एक बार जो आपने इस हलवे को गुड़ के संग बना लिया तो फिर आप आगे से चीनी नहीं डालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल खाना सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो गाजर को धो के छील के कद्दूकस करके कढ़ाई में पकने के लिए चढ़ा दिया है। फिर मैंने उसमें डाला है 1 कप दूध और उसे मीडियम टू हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। नेक्स्ट मैंने उसमें डाला 1/2 कप यानी कि 100 ग्राम्स गुड़, जिसको मैंने पीसेस में तोड़ लिया था, और इसे मैंने मीडियम फ्लेम में ही लगातार चलाते हुए मेल्ट होने तक पकाया। नेक्स्ट है बारी खोए की। खोया मुझे किसी हलवाई की दुकान में मिला नहीं और घर पे बनाने के लिए टाइम नहीं था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया अमूल का खोया। ये काफी फ्रेश था और टेस्ट में भी अच्छा था। खोए को मैंने केवल 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में भून लिया, जिससे वो थोड़ा और सॉफ्ट हो गया। भूनने के बाद मैंने उसे एक प्लेट में निकाल लिया, क्योंकि गर्म कढ़ाई में छोड़ने से वो जल सकता है। हलवे को लो फ्लेम में पकते हुए करीब 20 मिनट हो गए हैं और गाजर एकदम सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप खोया। ड्राई फ्रूट्स डालने से पहले हम उसे थोड़ा सा भून लेंगे, जिसके लिए हम एक छोटा सा पैन या छौंकदानी चढ़ा देंगे गैस पे। उस पर डाल देंगे 1 टीस्पून घी। मैंने यहाँ पे 8 से 10 काजू केवल 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में भून लिया है और फिर उसमें डाल दिया है करीब 10 से 12 किशमिश। ज्यादा नहीं भुनेंगे, बस 1 मिनट में ही पैन को हटा देंगे गैस से और गैस को कर देंगे बंद। भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे हलवे में, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लास्टली इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। सभी चीजों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बनके तैयार है हमारा बिना चीनी का बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा। मेरी बेटी से सबर नहीं हुआ और वो टेस्ट करने आ गई। मम्मा तो गुड इज सो गुड, बहुत यम्मी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।